पूरे पुणे में ऐसा मटन नहीं मिलेगा, पूरे पुणे में चंपारण का चंपारण द हांडी हाउस में ही मिलेगा ये मटन। ये हमारे बिहार में फेमस मटन, ये मटन कहीं नहीं मिलेगा। ये पहला चंपारण पुणे का है, ये पुराना चंपारण है। वन टाइम हांडी का यूज किया जाता है, एक ही टाइम ये हांडी में बनता है। औना मटन जिसको कहते हैं हांडी और औना मटन, ठीक बा, ये औना और हांडी मटन बा। इसमें मसाला भी होता है, सब बिहार का होता है, बिहार का डिश, बिहार का मसाला। ये बिना पानी का मटन है, इसमें पानी नहीं पड़ता। पूरे पुणे में ऐसा मटन नहीं मिलेगा, ये बिहार का फेमस मटन है। ये पूरे खस्सी का मटन मिलेगा, ये जिसको कहते हैं आप बकरिया और हांडी, इसमें पानी नहीं पड़ता। इसमें गार्लिक लहसुन भी दिया जाता है खड़ा, जिसको कहते हैं अखा लहसुन। चंपारण गाँव का डिश है, ठीक बा। पहले चूल्हा जलाएंगे, पहले कोयला डालेंगे और मटन को मिला मिक्सिंग करेंगे और चंपारण का मसाला ये सब मिला का हल्दी लहसुन ये सब मिलाकर मिक्स करेंगे, वो मटन मिलाएंगे। मटन को कम से कम 2 घंटा मिलाने के बाद भी बना सकते हैं, मैग्नेट करके रखना। उसके बाद मैं हांडी, ये खारा गरम मसाला में ही मटन तैयार होता है। ये पहले हांडी को चढ़ा देंगे, हांडी को चढ़ाने के बाद ये इसमें खारा गरम मसाला डालेंगे और खारा गरम मसाला ये सब मिला के उसमें मटन डाल देंगे। डालने के बाद उसको मिक्स करके, इसमें पानी नहीं पड़ता है। उसके बाद उसको मटन डालने के बाद उसको बंद लॉक कर देंगे, सील कर देंगे। उसमें सील करने के बाद लगभग 45 मिनट के बाद ये मटन मेरा तैयार हो जाएगा, प्योर बकरे का मटन तैयार हो जाएगा, जिसको कहते हैं खस्सी का। वो तैयार होकर मिलेगा, वो चंपारण द हांडी हाउस में ही मिलेगा। पुणे के पहला चंपारण यही है, यही यहाँ। अगर चंपारण का हांडी हाउस आइए और मटन का मजा लीजिए।